हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ने पिछले सेशन में डबल कैश बुक देखा था। अभी ये सेशन में हम लोग पेटी कैश बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी ये पेटी कैश बुक क्या होता है? अभी अपने बिजनेस में जो बड़े बड़े पेमेंट्स होते हैं या प्रिंसिपल पेमेंट्स होते हैं, उनके लिए हम लोग कैश बुक यूज करते हैं। और जो छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे चाय का पैसा दिया, झाड़ू वाले का पैसा दिया, तो ये सब खर्चे जो बुक में मेंटेन किए जाते हैं या उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उस बुक को पेटी कैश बुक करके बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। और उसका जो एंट्रीज करता है, उसमें जो एंट्रीज जो करता है, उस आदमी को हम लोग पेटी कैशियर बोलते हैं। अभी उसका टेक्निक कैसा है कि समझो पर्टिकुलर मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो मंथ के स्टार्टिंग में हेड कैशियर जो होता है, मतलब हेड कैशियर अभी कौन है, जो अपना मेन कैश बुक मेंटेन करता है, उसको हेड कैशियर बोलते हैं। वो हर महीने के स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट पेटी कैशियर को देता है, जिधर से वो ऐसे छोटे मोटे खर्चे को मैनेज करता है और उसका रिकॉर्ड रखता है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में 3,000 रुपया दिया पेटी कैशियर को, और एंड में उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 200 रुपीज है, तो इसका मतलब उसने 2,800 रुपया खर्चा किया है। समझ में आ रहा है? तो अभी मंथ के एंड में उसका जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो 200 रुपया रहेगा, फिर वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होगा। अभी क्या होता है मालूम है क्या, उसमें दो सिस्टम है। एक सिंपल सिस्टम में क्या होता है कि हर महीना जो हेड कैशियर है वो पेटी कैशियर को 3,000-3,000 रुपया हर महीना पेमेंट करते हुए जाता है, तो ये सिंपल सिस्टम है। समझ में आ रहा है? और दूसरा जो सिस्टम है, इंप्रेस सिस्टम। इंप्रेस सिस्टम में एक इंप्रेस अमाउंट फिक्स की जाती है। अभी ये फॉर एग्जांपल 3,000 फिक्स की गई है। अभी 200 उसका बैलेंस है और 3,000 रुपया है इंप्रेस अमाउंट है। अभी उसका डिफरेंस कितना है, 2,800 रुपया। समझ में आ रहा है? तो ये जो 2,800 रुपया जो डिफरेंस है ना, उतना ही नेक्स्ट मंथ में उसको पेटी कैशियर को मिलेगा। समझो उसके नेक्स्ट मंथ में 100 रुपीज क्लोजिंग बैलेंस है, 100 रुपीज क्लोजिंग बैलेंस है, तो उस मंथ के नेक्स्ट मंथ में उसको कितना मिलेगा, 2,900। एकदम परफेक्ट। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं इंप्रेस सिस्टम। मतलब इंप्रेस सिस्टम में जो डिफरेंस है उतना हर महीना दिया जाता है, और सिंपल सिस्टम में उसका जो टोटल अमाउंट है 3,000 रुपया, वो उसको हर महीना पे किया जाता है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला उसका फॉर्मेट पढ़ेंगे और फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहला फॉर्मेट सीखते हैं। ओके, तो अभी अपना जो फॉर्मेट है, सबसे पहला हेडिंग डालते हैं एज इट इज। हम लोग ने सब प्रॉब्लम्स में देखा है, इन द बुक्स ऑफ। अब इधर पार्टी का नाम नहीं दिया है, तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, अपना सिस्टम है। ओके, अभी ये हम लोग ने हेडिंग डाला, किससे किसके बुक्स में हम लोग कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर हम लोग पेटी कैश बुक कर रहे हैं, वो नाम लिखेंगे। इधर हम लोग पेटी कैश बुक कर रहे हैं, तो उसका नाम आएगा पेटी कैश बुक। सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद उसके कॉलम्स करते हैं। कॉलम्स के जो नाम है, सबसे फर्स्ट कॉलम अमाउंट पेड। अभी इधर ध्यान दो, ये जो प्रॉब्लम है, अभी तक हम लोग ने देखा है कि फर्स्ट कॉलम डेट होता है, लेकिन इधर फर्स्ट कॉलम है अमाउंट पेड रुपीज। सबको क्लियर है? सेकंड कॉलम है कैश बुक फोलियो। कैश बुक फोलियो, एक्चुअली फर्स्ट कॉलम ये अमाउंट रिसीव्ड है, तो ये अपना डेबिट साइड है। अमाउंट रिसीव्ड कैश बुक फोलियो, और फिर उसके बाद आएगा डेट का कॉलम, डेट के बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम,
पर्टिकुलर्स के बाद वाउचर नंबर और अमाउंट, वाउचर नंबर का कॉलम और फिर अमाउंट पेड रुपीस का कॉलम। सबको समझ में आ रहा है? तो ये अपना फॉर्मेट है। सबसे पहला लिखा इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में हम लोग बनाने वाले हैं उसका नाम। फिर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, पेटी कैश बुक उसका नाम। फिर अपने कॉलम्स, अभी कॉलम्स को रूलिंग करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। ये हम लोग ने बॉर्डर ड्रॉ किया, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला अमाउंट रिसीव्ड रुपीस कैश बुक फोलियो और डेट का, तो रूलिंग हम लोग ने किया। उसके बाद रूलिंग करने के बाद फिर वाउचर नंबर और अमाउंट पेड रुपीस को रूलिंग करेंगे। अभी ये अपना रूलिंग करके हो गया। अभी अपना जो हेडिंग से उसको क्लोज करते हैं। सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी इधर देखो, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द वीक एंडेड 28 मई 2018। मतलब ये वीकेंड का आपको ट्रांजैक्शंस दिए, वीकेंड के ट्रांजैक्शंस है, और हाउ विल यू रिकॉर्ड देम इन पेटी कैश बुक विच वाज मेंटेन विद अ वीकली फ्लोट्स ऑफ रुपीज 3000। अभी जरा ध्यान दो, प्रॉब्लम में क्या बोला है। अभी ये इम्प्रेस सिस्टम वाला प्रॉब्लम है, तो अपने को सबसे पहला 3000 अमाउंट अपने पास था, और नीचे गया, नीचे जो दिया है अपने को टेबल में, वो सब अपना खर्चा है, और वो खर्चा अपने को ये जो पेटी कैश बुक है ना उसमें रिकॉर्ड करना है। तो 3000 अपने स्टार्टिंग में था, अब ये मई 23 डेट है, तो ये 3000 जो अपने को मिला है ये हम लोग मानते हैं मई 22 को मिला है, उसके जस्ट पहले दिन। तो अभी इधर डेट डालेंगे, सबसे पहला डेट है उसका 2018 ही उसका डेट है। बाद में उसके बाद उसका डेट आएगा, उसका डेट मई 22 है, तो हम लोग इधर मई 22 लिखते हैं। सबको समझ में आ रहा है? अमाउंट 22, मई 22 डेट डालने के बाद अमाउंट लिखेंगे 3000। अभी ये एज्यूम करते हैं कि ये हेड कैशियर से मिला है, तो इधर अपने को लिखना पड़ता है टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट इंडिकेट करता है कि ये अपने को हेड कैशियर से मिला है, और ये कैशबुक से एंट्री हो रहा है, मतलब कैशबुक के क्रेडिट साइड में एंट्री हो रहा है, और इधर से पेटी कैशबुक में ये डेबिट साइड में आ रहा है। मतलब कैशबुक के क्रेडिट साइड में हम लोग ने लिखा बाय पेटी कैशियर, क्या लिखा बाय पेटी कैशियर, और उसका डबल इफेक्ट इधर आ गया टू कैश अकाउंट 3000। सबको समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम लोग ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मई 23 को पोस्टेज के लिए पैसा पे किया है, तो ये इतना सिंपल है ना, आपको सिर्फ डेट डालने का है। डेट डालो मई 23, और जो ऊपर लिखा है ना, आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करने की जरा भी जरूरत नहीं है। ऊपर पोस्टेज लिखा है तो आपको इधर डायरेक्टली पोस्टेज ही लिखना है, दैट्स ऑल, हो गया टू पोस्टेज, और इधर डायरेक्ट अमाउंट पेड के कॉलम में अमाउंट लिखना है। समझ में आ रहा है? सिंपल। ओके, अभी अगला देखो, मई 24 डेट है, मई 24 आप लोग ने डाला। फिर उसका उसके बाद क्या है, कैजुअल लेवर, तो टू नहीं, इधर बाय लिखने का है, खर्चा है ना, तो इधर आपको बाय लिखना पड़ेगा, टू नहीं लिखने का है, पैसा आ रहा है तो टू लिखने का, वरना बाय लिखने का है। तो नेक्स्ट जो है बाय कैजुअल लेबर, बाय कैजुअल लेबर, सबको समझ में आ रहा है? बाय कैजुअल लेबर, और उसकी अमाउंट है 500, सिंपल। ओके, नेक्स्ट, फिर से मई 24 टैक्सी हायर,
टैक्स हायर नहीं, टैक्सी हायर है वो। तो इधर लिखो May 24 बाय टैक्सी हायर, बाय टैक्सी हायर, और उसका अमाउंट है 600। सबको समझ में आ रहा है? फिर May 26 राइटिंग पैड्स एंड रजिस्टर्स, तो इधर लिख दो बाय राइटिंग पैड्स एंड रजिस्टर्स, सबको समझ में आ रहा है? राइटिंग पैड्स एंड रजिस्टर्स, उसकी अमाउंट है 800। नेक्स्ट May 27 बाय कार्टेज 200। नेक्स्ट है May 28 को बाय बस फेयर 300। इधर तक सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद अभी ट्रांजैक्शन अपने खत्म हो गए, अभी अपने को इसको क्लोज करना है। तो अभी सबसे पहला अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर अपने को अमाउंट रिसीव्ड का टोटल लेना पड़ेगा। तो अमाउंट रिसीव्ड का टोटल एक ही ट्रांजैक्शन है इधर, तो हम लोग इधर 3000 लिखेंगे। अभी ये 3000 इधर कैरी फॉरवर्ड करना है, ये 3000 हम लोग ने कैरी फॉरवर्ड किया। अभी ये जो क्रेडिट साइड की टोटल है, क्रेडिट साइड की टोटल 2800 रुपया है और इधर 3000 बैलेंस है। तो जैसे आप लोग बैलेंस लिखते हो नेक्स्ट डे को May 29 को आपको क्लोज करना है, May 29 को लिखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी 3000 रुपया रिसीव्ड है और 2800 रुपया खर्चा हो गया है, तो बैलेंस कितना आएगा 200 रुपया। सबको समझ में आ रहा है? फिर 200 रुपया लिखने के बाद ये आपको क्लोज करना है, ऊपर सिंगल अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, तो ये क्लोज हो गया। इधर भी सेम, ऊपर सिंगल अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, ये आपका क्लोज हो गया। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अभी डेट डालो May 29 के बाद May 30 ये डेट आएगा, और इधर आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे कैशबुक में आप लोग लिखते हो पहले क्लोज करते टाइम बैलेंस कैरिड डाउन, और ओपन करते टाइम बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इधर आपको 200 लिखना है, ये आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, और इधर ईयर डालना है 2018 March 30 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसा आपको लिखना है। क्लियर है आपको? और फिर इधर ये जो 200 रुपीज है उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो 200 रुपीज आपने कैरी फॉरवर्ड किया, तो सब लोग ध्यान दो, इधर March 29 को आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाला 200 रुपीज, फिर इधर क्लोज किया। क्लोज करने के बाद आपको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करना है। अभी नेक्स्ट डे कौन सा है? March 29, बाद में March 30 आ रहा है, तो सॉरी May 30 आ रहा है, तो May 30 को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। इधर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसके अमाउंट जो है 200। सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये तो था अपना सिंपल पेटी कैशबुक, अभी हम लोग देखेंगे एनालिटिकल पेटी कैशबुक क्या होता है। अभी एनालिटिकल पेटी कैशबुक में कैसे रहता है कि हम लोग एनालिटिकल पेटी कैशबुक में हम लोग जो अमाउंट पेड है ना उसको डिफरेंट एक्सपेंसेस में क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो अभी एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट, मतलब अपने को क्या करना पड़ता है,
जो भी अमाउंट पेड किया है उसको डिवाइड करना पड़ता है डिफरेंट एक्सपेंसेस में, जैसा अपना पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, कैरेज है, कार्टेज है, टेलीफोन एक्सपेंस है, तो उस एक्सपेंसेस में अपने को हर जो एक्सपेंस या टोटल है वो डिवाइड करनी पड़ती है। तो अमाउंट पेड का जो कॉलम है, अमाउंट पेड का वो कॉलम बन जाता है टोटल का, और उसके आगे एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट के 6-7 कॉलम ऐड हो जाते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ता है, जो भी हम लोग खर्चा कर रहे हैं किस कैटेगरी में उसका, किस कैटेगरी का खर्चा है उस कैटेगरी में फिर से अमाउंट अपने को डालनी पड़ती है। मतलब एक अमाउंट जो डालेंगे टोटल के कॉलम में और दूसरी अमाउंट हम लोग डालेंगे उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के कॉलम में हम लोग डालेंगे। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से आइटम्स कौन से कैटेगरी में आते हैं, ये अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सबसे पहला जो कैटेगरी है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये अपना फर्स्ट कैटेगरी है। अभी पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कैटेगरी में क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है पोस्टल स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प्स फर्स्ट आइटम है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है रिवेन्यू स्टैम्प्स, रिवेन्यू स्टैम्प्स के बाद अगला आता है पोस्ट कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स के बाद अगला आता है एनवलप, नेक्स्ट आता है टेलीग्राम्स, टेलीग्राम्स के बाद आता है रजिस्टर्ड एंड स्पीड पोस्ट, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इनलाइन लेटर्स, तो ये सब आइटम्स अपने पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स के अंडर आते हैं। सबको समझ में आ रहा है। अभी अगला जो हेडिंग है एक्सपेंसेस का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है। अभी उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहला पेपर्स, पेपर्स के बाद आता है फाइल्स, फाइल्स के बाद नेक्स्ट आता है स्टेपल्स, स्टेपल्स के बाद आता है पिंस, पिंस के बाद आता है पेंस, पेंस के बाद आता है पेंसिल्स, पेंसिल्स के बाद आता है प्रिंटिंग बिल बुक, उसके बाद आता है इंक पॉट, नेक्स्ट आता है स्टैम्प पैड, उसके बाद आता है पेपर क्लिप्स, पेपर क्लिप्स के बाद आता है कार्बन पेपर्स, तो ये सब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंडर आ रहा है। अभी नेक्स्ट हेडिंग है कैरिज, कैरिज के अंडर क्या है, सबसे पहला कैरिज के अंडर कैरिज ही आता है, नेक्स्ट है कार्टेज, कार्टेज हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, जो हम लोग घोड़ा गाड़ी बैल गाड़ी पे जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसको कैरेट बोलते हैं।
कार्टेज, उसके बाद अगला है फ्रेट चार्जेस। फ्रेट भी हम लोग ने डिस्कस किया है कि शिप और रेलवे, रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट रहता है उसको फ्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है कुली चार्जेस। तो ये सब आपके कैरिज में आता है। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में आता है आपका बस फेयर। बस फेयर के बाद आता है टैक्सी फेयर, फिर आता है ऑटो फेयर, ऑटो फेयर के बाद रेलवे फेयर, रेलवे फेयर के बाद आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अभी एक कंफ्यूजन है, हम लोग कैरेज और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को मिक्स करते हैं। कैरेज आपको ध्यान में रखने का है कि ये कैरेज जो होता है ये गुड्स से रिलेटेड है, मतलब हम लोग कुछ माल इधर से उधर पहुंचा रहे तो उसको कैरेज बोलते हैं। और ट्रैवलिंग जो रहता है वो पैसेंजर से रिलेटेड है कि करके कोई अगर अपना एम्प्लॉय इधर से उधर ट्रैवलिंग कर रहा है तो वो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस पैसेंजर से रिलेटेड है। और आपका जो कैरेज है ये गुड से रिलेटेड है, गुड जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग कैरेज बोलते हैं। अभी नेक्स्ट जो है, अभी ये सब हेडिंग्स में सब हेडिंग्स आते हैं, लेकिन कुछ हेडिंग्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टेलीफोन बिल है, ये इंडिपेंडेंट है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा करके कुछ आता नहीं है। नेक्स्ट है आपका वेजेस, वेजेस भी आपका इंडिपेंडेंट है। वेजेस इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है रिपेयर्स, ये भी आपका इंडिपेंडेंट है। रिपेयर्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी आपका इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद है आपका एडवर्टाइजमेंट, इंडिपेंडेंट है। तो इसमें सब हेडिंग मोस्ट प्रोबेबली नहीं आते। सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके रहता है, मतलब ऑदर्स। इसमें है, इसमें कौन से आइटम्स है ये हम लोग देखते हैं। अभी इसमें सबसे आता है वॉशिंग एक्सपेंसेस। वॉशिंग एक्सपेंसेस सबसे पहला आता है, फिर नेक्स्ट आता है क्लीनिंग चार्जेस, क्लीनिंग चार्जेस बाद में टिप टू वॉचमैन या प्यून, नेक्स्ट है डोनेशन, डोनेशन के बाद पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस के बाद सब्सक्रिप्शन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए पे करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट,
रिफ्रेशमेंट, उसके बाद है CFL ट्यूब्स, CFL ट्यूब्स के बाद आएगा गिफ्ट टू क्लर्क, गिफ्ट टू क्लर्क के बाद आएगा लंच बिल, और फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो ये सब अपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स में ये सब आ रहे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ये आ रहे, कैरेज में ये सब आ रहे, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, उसके बाद टेलीफोन बिल, वेजेस, रिपेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टाइजमेंट, ये इंडिपेंडेंट है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस में बाकी सब आ रहे। तो सबको ये समझ में आ गया? ओके, तो अभी हम लोग सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ये प्रॉब्लम में आपको बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब इधर ध्यान दो, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा एक्सपेंसेस या कौन सा आइटम कौन से एक्सपेंसेस के कैटेगरी में जा रहा है। तो ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, April 1 रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट, कैश पेमेंट अपने को मिला है सबसे पहला 20,000। नेक्स्ट है पेड फॉर पोस्टेज, अभी पेड फॉर पोस्टेज कौन से कैटेगरी में जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो इधर लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो ये कॉलम्स आपको बनाने हैं, रिपीट नहीं करना है जैसे लेजर में होता था। नेक्स्ट है पेड फॉर स्टेशनरी, इसका नाम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये कॉलम बनाने का है। उसके बाद पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, फिर ये एडवर्टाइजमेंट का कॉलम बनाना है। एडवर्टाइजमेंट के बाद पेड फॉर वेजेस, वेजेस का कॉलम बनाएंगे। फिर पेड फॉर कैरेज, कैरेज का कॉलम बनाएंगे। नेक्स्ट है पेड फॉर कन्वेंस, तो ये ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का कॉलम आएगा। बाद में पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ये एक बार बना के हो गया, रिपीट नहीं होता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी रिपीट नहीं होता है। पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आएगा, जो लास्ट में कॉलम आता है आपका। फिर पेड फॉर टेलीग्राम ये हो गया है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर सेंड रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, ये भी पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया है। तो फिर हम लोग सिर्फ इधर नाम लिखते हैं, नाम लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, इन एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाने का है। ओके, अभी अपने को स्टार्ट करना है। सबसे पहला हेडिंग डालते हैं इन द बुक शॉप, इन द बुक शॉप क्वेश्चन मार्क। अब इधर क्या बना रहे हैं, अभी इधर सिर्फ लिखने का एनालिटिकल पेटी कैश, तो पेटी कैश बुक के आगे सिर्फ वर्ड लगाने का है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो लिखा आपने, अब इसमें कॉलम आएंगे, सबसे पहला आएगा अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड रुपीज। नेक्स्ट कॉलम आएगा कैश बुक फोलियो, कैश बुक फोलियो के बाद डेट का कॉलम,
डेट के बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स के बाद वाउचर नंबर, वाउचर नंबर के बाद टोटल। अभी टोटल लिखने के बाद बाकी आपको एक्सपेंसेस के कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला जो कॉलम है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, नेक्स्ट कॉलम है पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद एडवर्टाइजमेंट, नेक्स्ट कॉलम है वेजेस, वेजेस के बाद कैरेज, कैरेज के बाद नेक्स्ट कॉलम ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, नेक्स्ट कॉलम मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ये अपना फॉर्मेट है। अभी इसका रूलिंग करते हैं। अभी रूलिंग किया, रूलिंग करने के बाद पहले बॉर्डर डाला, अभी रूलिंग कर रहे हैं, अभी हेडिंग्स को क्लोज कर रहे हैं। अभी रूलिंग करते हैं, सबसे पहला अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक, फोलियो और डेट को इसका रूलिंग किया। उसके बाद वाउचर नंबर, टोटल और बाकी सब कॉलम का रूलिंग। ये सबका रूलिंग अपना हो गया। तो ये सब अपना रूलिंग पूरा हो गया। अभी हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है
2018 अप्रैल 1, तो डेट डालेंगे 2018 और डेट है अप्रैल 1। सबको समझ में आ रहा है? अभी सबसे पहला अपने को कैश मिला है 20,000, तो इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में 20,000। सबको समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अगला ट्रांजैक्शन है पेड फॉर पोस्टेज अप्रैल 2 को, अप्रैल 2 को लिखेंगे टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। इधर सिर्फ पोस्टेज लिखेंगे तो भी चलेगा, टू पोस्टेज लिखो और अमाउंट है आपका वो टोटल के कॉलम में आएगा और पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में आएगा, तो इधर आ गया और पोस्टेज एंड टेलीग्राम के भी कॉलम में आ गया। सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है पेड फॉर स्टेशनरी अप्रैल 5 को, स्टेशनरी के लिए पैसा पे कर रहे, तो इधर लिखेंगे टू स्टेशनरी। टोटल के कॉलम में और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कॉलम में अमाउंट है 1,000। सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है अपना पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट अप्रैल 8 को, फिर इधर लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। अब ये आएगा टोटल के कॉलम में 2,000 और एडवर्टाइजमेंट के कॉलम में 2,000। फिर अगला जो है अप्रैल पेड फॉर वेजेस अप्रैल 12 को, इधर आएगा टू वेजेस, तो फिर टोटल के कॉलम में और वेजेस के कॉलम में 800। फिर उसके बाद है अप्रैल 16 को 600 पेड फॉर कैरेज, अप्रैल 16 कैरेज को पैसा पे किया 600 टू कैरेज। अब ये सब जगह टू के बदले में बाय अपने को लिखना है। तो ये बाय हम लोग ने कर दिया। नेक्स्ट है आपका पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अप्रैल 25 को, पहला पेड कन्वेंस 880,
अप्रैल 20 तो इधर लिखेंगे बाय कन्वेंस और अमाउंट है 880, ये आएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के कॉलम में। नेक्स्ट अप्रैल 25 पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, $3,200 तो अभी ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम लोग ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के अंडर भी लिखते हैं 3,200। सबको क्लियर है? अभी नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना पेड फॉर पोस्टेज अप्रैल 27 को बाय पोस्टेज, पोस्टेज की अमाउंट 480 पोस्टेज एंड ट्रैवलिंग, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 28 पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, तो इधर लिखने का बाय ऑफिस क्लीनिंग, अब ये सन्ड्री में आएगा, इसका अमाउंट है 400। नेक्स्ट है पेड फॉर टेलीग्राम अप्रैल 29 को, फिर इधर आएगा बाय टेलीग्राम और उसकी जो अमाउंट है 800। पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आएगा 800। नेक्स्ट है अप्रैल 30 को सेंड रजिस्टर नोटिस टू लैंडलॉर्ड, तो ये भी पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आएगा अप्रैल 30, तो बाय रजिस्टर्ड नोटिस। और उसकी अमाउंट 190 है। तो ये अपना पोस्टिंग पूरा हो गया, अभी अपने को क्लोज करने का है। क्लोज करते टाइम अपने को सबसे पहला डेबिट का टोटल लेना पड़ेगा। डेबिट के टोटल में 20,000 रुपीज है,
डेबिट के टोटल में 20,000 आ गया। उसके बाद आपको ये टोटल का टोटल लेना पड़ता है, टोटल का टोटल जो है ₹11,950। और फिर अप्रैल 30 को क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अभी ये 20,000 ट्रांसफर होगा, 20,000 में से 11,950 माइनस करेंगे और बैलेंस आएगा 8,050। सबको समझ में आ रहा है? अभी ये जो है 20,000 आने के बाद इसको अपने को क्लोज करने का है। ऊपर एक अंडरलाइन, नीचे दो अंडरलाइन, इधर भी ऊपर एक अंडरलाइन, नीचे दो अंडरलाइन, और ये क्लोज किया। उसके बाद उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। ईयर है 2018, डेट आएगा May 1, और फिर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इधर अमाउंट आएगा 8050। तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। सबको समझ में आ गया? ओके, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, श्री आर मेंटेन्स द कॉल्यूमिनर पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम, द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5,000। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शोज हिज पेटी कैश फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो हाउ हिज पेटी कैश वुड अपियर फॉर द वीक एंडेड 12 सितंबर 2017। ओके, अभी सबसे पहला इधर लिखा है बैलेंस इन हैंड। बैलेंस इन हैंड उसका है 1349, और रिसीव्ड कैश रीइंबर्स टू मेक द इम्प्रेस्ड, मतलब उसका 5,000 अमाउंट है, 5,000 में से 1349 उसके पास ओपनिंग बैलेंस था, तो 5,000 और इसका जो डिफरेंस है ये उसको मिलेगा। उसके बाद में अपने को क्लासिफाई करने का है। सबसे पहला पोस्टेज है, पोस्टेज आएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम में, नेक्स्ट है स्टेशनरी, स्टेशनरी आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, उसके बाद एंटरटेनमेंट ये जाएगा मिसलेनियस में, नेक्स्ट है ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग जाएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में, नेक्स्ट है आपका मिसलेनियस, मिसलेनियस मिसलेनियस में ही जाएगा, फिर उसके बाद रिपेयर्स, रिपेयर्स रिपेयर्स में जाएगा, फिर पोस्टेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में जाएगा, एंटरटेनमेंट मिसलेनियस में जाएगा, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में जाएगा, स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा, एंटरटेनमेंट मिसलेनियस में जाएगा, मिसलेनियस मिसलेनियस में जाएगा, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, पोस्टेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रिपेयर्स, रिपेयर्स में जाएगा। ओके, तो ये हम लोग ने सिलेक्ट किया। अभी हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आर, उसके बाद लिखेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक, और फिर फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है अमाउंट पेड रुपीज,
उसके बाद नेक्स्ट कॉलम कैश बुक फोलियो, उसके बाद डेट का कॉलम, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद वाउचर नंबर, वाउचर नंबर के बाद टोटल, टोटल के बाद अभी एनालिसिस कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले आएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, नेक्स्ट कॉलम है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके बाद नेक्स्ट जो है मिसलेनियस लास्ट पे आता है, फिर अगला आएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, अपने को ये जो भी कॉलम्स बनाए ना इन सब की टोटल लेनी पड़ती है। जैसे हम लोग ने टोटल की टोटल ली है, वैसे अपने को बाकी के सभी कॉलम्स की टोटल लेनी पड़ती है। जैसे सबसे पहला आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, उसकी टोटल लेंगे, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की टोटल, फिर एडवर्टाइजमेंट की टोटल, फिर वेजेस की टोटल, वेजेस के बाद कैरेज की टोटल, कैरेज के बाद ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस की टोटल, फिर उसको क्लोज करते हैं। तो टोटल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अपने को लेना पड़ेगा। ओके, तो हर एक एक्सपेंसेस की आपको टोटल लेनी है, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग इधर कॉलम बना रहे पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम बनाना पड़ेगा रिपेयर्स, रिपेयर्स के बाद अगला कॉलम आएगा आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राम का हो गया है, मिसलेनियस का हो गया है, ट्रैवलिंग कन्वेंस हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी, मिसलेनियस, ट्रैवलिंग कन्वेंस, पोस्टेज, रिपेयर्स का हो गया है। तो ये सब बना के हो गए। उसके बाद अभी मिसलेनियस एक्सपेंसेस का लास्ट कॉलम बनाना है, अभी कॉलम बना के हो गए। अभी रूलिंग करते हैं, सबसे पहला बॉर्डर बनाते हैं, बॉर्डर बना के हो गई। अभी हेडिंग्स को अपने को क्लोज करने का है, हेडिंग्स को क्लोज किया। उसके बाद अभी हम लोग बाकी के कॉलम्स को रूलिंग करते हैं। सबसे पहला अमाउंट पेड रुपीस, कैश बुक फोलियो और डेट को रूलिंग करेंगे। उसके बाद अपना वाउचर नंबर, पोस्टेज, टेलीग्राम, ट्रैवलिंग, ये सब कॉलम्स को रूलिंग करेंगे।
उसके बाद पोस्टेज और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम को रूलिंग करेंगे। फिर हम लोग ट्रैवलिंग कन्वेंस, रिपेयर्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को रूलिंग करेंगे। अपना रूलिंग करके हो गया, अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला अपने को बैलेंस इन हैंड दिया है, ओपनिंग बैलेंस 2016 सितंबर 7, तो सबसे पहला डेट डालेंगे 2016 सितंबर 7। सबसे पहला अभी 2016 सितंबर 7 को ओपनिंग बैलेंस 1349, तो 2016 सितंबर 7 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसका जो अमाउंट है 1349, ये अपना ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस अपना अमाउंट रिसीव्ड में आएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अपना ओपनिंग बैलेंस 1349। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि अभी अपने को उसका डिफरेंस रीइंबर्स करके मिलेगा 5000, ये अपना इंप्रेस्ड अमाउंट है 5000 रुपया। अभी इसका जो डिफरेंस है वो अपने को रीइंबर्स करके मिलेगा, और ये 1349 अपने को अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में डालने का है 1349, और फिर उसी दिन अपने को रीइंबर्स मिलेगा। तो इधर लिखेंगे टू कैश। अभी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5000 ये इंटरेस्ट अमाउंट है और उसमें से 1349 ये जाएगा, तो 1349 माइनस करके बैलेंस अमाउंट अपने को मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है, तो 5000 में से 1349 माइनस किया और अपने को मिलेगा 3651। अभी 3651 हो गया, अभी ये अमाउंट अपना 5000 पूरा हो गया। अभी उसके बाद हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं। सबसे पहला पोस्टेज का 123 पे किया है, तो क्रेडिट में लिखेंगे सितंबर 7 को ही है, सितंबर 7 को बाय पोस्टेज। बाय पोस्टेज टोटल और पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में आएगा 123, टोटल का कॉलम और पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कॉलम में आएगा 123। नेक्स्ट है स्टेशनरी 321 सेम डेट को, तो इधर आएगा बाय स्टेशनरी। टोटल के कॉलम में और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कॉलम में नेक्स्ट डे एंटरटेनमेंट मिसलेनियस में आएगा 54,
सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद अगला है सितंबर 8 का ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 126। बाय ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 11 बाय मिसलेनियस। मिसलेनियस में आएगा 11। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट 72 मिसलेनियस में आएगा। नेक्स्ट है सितंबर 9 का रिपेयर्स में आएगा। सितंबर 9 रिपेयर्स पहले टोटल के कॉलम में फिर रिपेयर्स के कॉलम में। सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है सितंबर 10 का पोस्टेज। पोस्टेज के कॉलम में और पोस्ट टोटल के कॉलम में और पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में 174 और पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में 174। सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है सितंबर 10 के बाद एंटरटेनमेंट मिसलेनियस में। एंटरटेनमेंट की अमाउंट है 127। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग 673। टोटल में और ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में 11 41 टोटल में और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 11
टोटल में और मिसलेनियस में। नेक्स्ट है सितंबर 12 मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और उसके अमाउंट 201 टोटल में और मिसलेनियस में। टोटल में और मिसलेनियस में इसके बाद ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में 51 का अमाउंट 51 ट्रैवलिंग में और ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में। ओके नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 483 टोटल में और पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। नेक्स्ट है रिपेयर्स टोटल में और रिपेयर्स में सितंबर 12 टोटल में और रिपेयर्स के कॉलम में। तो ये अपना पोस्टिंग हो गया, अभी इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहला डेबिट की टोटल, डेबिट की टोटल 5000 और फिर टोटल की टोटल 1 कॉलम की टोटल लेते हैं। तो 362,850 मिसलेनियस की 477 और इधर का रिपेयर्स है। तो ये हम लोग ने सब कॉलम की टोटल ली, उसके बाद ये बाकी के कॉलम्स के टोटल को क्लोज करना है ऊपर से और नीचे से। टोटल का टोटल सिर्फ ऊपर से क्लोज करना है, नीचे से नहीं करना, क्योंकि अपने को कैरी फॉरवर्ड करना है सितंबर 12 को। बैलेंस कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, इधर ईयर भी अपने को डालना पड़ेगा। तो ईयर है आपका 2016 और आपका जो टोटल है 5000, इधर कैरी फॉरवर्ड करेंगे 5000 में से ये 4066 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 934 और फिर इसको अभी क्लोज करेंगे। टोटल 5000 को क्लोज किया, 5000 क्लोज किया। अभी इधर क्या होगा कि फिर ये हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे
2016 सितंबर 13 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में 934, ओके। और फिर उसी दिन अपने को डिफरेंट जो है वो रीइंबर्समेंट हो जाएगा टू कैश, अभी अपने को 5000 में से 934 माइनस करना है, 934 तो फिर बाकी का अमाउंट अपने को मिल जाएगा 5000 में से 934 माइनस करके 4066, इतना अमाउंट फिर नेक्स्ट मंथ में अपने को मिलेगा। तो जितना अपना खर्चा होता है उतना ही फिर से नेक्स्ट मंथ में अपने को मिलता है और फिर ये राउंड फिगर अपना 5000 हो जाता है। सबको समझ में आ रहा है? तो अभी ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओके, अभी ये है इन द बुक्स ऑफ मोहित प्रॉब्लम में सबसे पहला क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑटो फेयर, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, नेक्स्ट है कुरियर सर्विस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, नेक्स्ट है इरेजर, शार्पनर्स, पोस्टल स्टैम्प, सेम है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, फिर इरेजर, शार्पनर, पेंसिल पैड्स, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके बाद स्पीड पोस्ट चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, नेक्स्ट टैक्सी फेयर आएगा आपका, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, रिफ्रेशमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑटो फेयर, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, रजिस्टर, पोस्टल चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कार्टेज, कैरेज, उसके बाद कंप्यूटर स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बस फेयर, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, एसटीडी, कॉल चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, फिर ऑफिस सैनिटेशन इंक्लूडिंग डिसइंफेक्शन, मिसलेनियस रिफ्रेशमेंट, मिसलेनियस फोटो स्टेटिंग चार्जेस, मिसलेनियस कुरियर सर्विस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अपलोडिंग चार्जेस, सन्ड्री, मिसलेनियस अनलोडिंग, बस फेयर, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। ओके, तो क्लासिफाई करके हो गया, अभी फॉर्मेट बनाते हैं, हेडिंग डालते हैं इन द बुक्स ऑफ मोहित, तो ये हेडिंग डाला, उसके बाद लिखेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक, फिर कॉलम्स बनाएंगे, सबसे पहला अमाउंट रिसीव्ड रुपीस, फिर आपका कैश बुक फोलियो, फिर अपना डेट का कॉलम, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद अमाउंट पेड रुपीस, अमाउंट पेड रुपीस बाद में आएगा, पहला वाउचर नंबर आएगा, इसके बाद अमाउंट पेड रुपीस, फिर एक्सपेंसेस के नाम आएंगे, एक्सपेंसेस के नाम सबसे पहला ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस,
ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के बाद नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, नेक्स्ट है ट्रैवल एंड कन्वेंस हो गया, पोस्टेज टेलीग्राम ट्रैवलिंग कन्वेंस, मिसलिनियस लास्ट में आएगा, ट्रैवलिंग हो गया, पोस्टेज हो गया, कैरेज। प्रिंटिंग स्टेशनरी ट्रैवलिंग कन्वेंस टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस के बाद इसलिए लास्ट में आएगा पोस्टेज टेलीग्राम हो गया, फिर लास्ट में हम लोग बनाएंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो अभी ये फॉर्मेट अपना बना के हो गया, अभी रोलिंग करना है। सबसे पहला रूलिंग करते हैं, ओके बॉर्डर बनाया, बॉर्डर बनाने के बाद हेडिंग्स को क्लोज करते हैं, हेडिंग्स को क्लोज किया, फिर रूलिंग करते हैं। सबसे पहला अमाउंट रिसीव्ड रुपीस, कैशबुक फोलियो और डेट का रूलिंग आएगा, उसके बाद वाउचर नंबर अमाउंट पेड रुपीस का रूलिंग, उसके बाद ट्रैवलिंग कन्वेंस प्रिंटिंग स्टेशनरी पोस्टेज टेलीग्राम का रूलिंग, इसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी और कैरेज का रूलिंग, उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस का रूलिंग। तो ये रूलिंग पूरा हो गया, अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी प्रॉब्लम में लिखा है ही रिसीव्ड रुपीज 2000 ऑन मे 1, 2017 फ्रॉम द हेड कैशियर। तो 2017 ये अपना ईयर है और डेट है मे 1, 2017 को, मे 1 को अपने को हेड कैशियर से 2000 रुपया मिलता है, तो इधर लिखने का टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में 2000। सबको क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 2017 को मई 2 को ऑटो फेयर पे कर रहे 55, तो क्रेडिट में मई 2 इधर लिखने का बाय ऑटो फेयर ऑटो फेयर आएगा 55 अमाउंट पेड में और ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में आएगा। सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है कुरियर सर्विस मई 3 को इधर आएगा बाय कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस का अमाउंट है 40 टोटल में आएगा और पोस्टेज एंड टेलीग्राम। सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है पोस्टल स्टैम्प 105 तो डेट है मई 4 और ये आएगा बाय पोस्टल स्टैम्प। अमाउंट है 105 टोटल में और पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 105। सबको क्लियर है? उसके बाद इरेजर शार्पनर पेंसिल और पैड मई 5 को इरेजर शार्पनर पेंसिल और पैड तो ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा। टोटल और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 225 और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट मई 6 स्पीड पोस्ट चार्जेस इसकी अमाउंट है 98 टोटल में और पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 9 है टैक्सी फेयर मई 8 को 198 195।
नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट में 8 को और इधर मिसलेनियस एंड एक्सपेंसेस नेक्स्ट मे 10 को ऑटो फेयर 60 नेक्स्ट मे 12 को रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस टोटल में और पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 42 नेक्स्ट 13 को टेलीग्राम तो इधर आएगा पाई टेलीग्राम टोटल में और पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 34 नेक्स्ट 14 को कार्टेज टोटल में और कैरेज में 16 को टोटल में और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 19 को बस फेयर 24
टोटल में और ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में। मई 19 के बाद मई 20 ऑफिस सैनिटेशन, 20 ऑफिस सैनिटेशन, टोटल में और सन्ड्री में 60 टोटल और मिसलेनियस में। नेक्स्ट मई 20 के बाद मई 22 रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट की अमाउंट है 45 टोटल में और मिसलेनियस में। नेक्स्ट मई 23 फोटो स्टेटिंग चार्जेस, सेवन टोटल में और मिसलेनियस में। नेक्स्ट मई 28 कुरियर चार्जेस 40, टोटल में और पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। नेक्स्ट अनलोडिंग चार्जेस टोटल में और मिसलेनियस में 40, मई 29 टोटल में और मिसलेनियस में 40, ओके। नेक्स्ट बस फेयर टोटल में और ट्रैवलिंग में मई 30, बाय बस फेयर टोटल में और ट्रैवलिंग में 15, अभी अपने को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 15 लिखना है, फिर टोटल लेते हैं। बाकी के सब कॉलम का भी टोटल लेते हैं।
तो ये हम लोग ने टोटल ली। उसके बाद सब कॉलम को क्लोज करना है। अभी ये जो टोटल का कॉलम है बैलेंस करना है। उसके बाद बैलेंस करेंगे मई 31 को। सबसे पहला डेबिट का टोटल लेंगे। डेबिट का जो टोटल है 2000। तो डेबिट का टोटल इधर कैरी फॉरवर्ड किया और अभी अपने को क्लोज करना है। अभी 2000 में से 1487 माइनस करेंगे, 513 आ गया मई 31 को। और इधर डेट जो डालनी है मई 31, और इसको कैरी फॉरवर्ड करना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये क्लोज हो गया। उसके बाद टोटल को क्लोज करना है। ऊपर एक अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, ये क्लोज हो गया। इधर भी क्लोज करना है, ऊपर एक अंडरलाइन, नीचे दो अंडरलाइन। तो इसको हम लोग ने क्लोज किया। अभी कैरी फॉरवर्ड करना है 2017 जून अप। और इधर लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इधर अमाउंट आएगा 513। तो ये अपना क्लोज हो गया। अभी फिफ्थ प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। पार्टी का नाम नहीं दिया है तो इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क आएगा। नीचे आएगा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। फिर फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला अमाउंट रिसीव्ड कॉलम, अमाउंट रिसीव्ड रुपीस। उसके बाद कैश बुक फोलियो। फिर डेट का कॉलम, डेट के बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम। पर्टिकुलर्स के बाद वाउचर नंबर। अभी हम लोग क्लासीफाई करते हैं कौन सा खर्चा किसमें आएगा। सबसे पहला कार्टेज कैरेज में आएगा। उसके बाद अगला एसटीडी चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस। बस फेयर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है पोस्टेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम।
उसके बाद रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉयज मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फिर नेक्स्ट कुरियर चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कार्टेज आएगा कैरेज में, टैक्सी फेयर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में आएगा, स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बस फेयर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, फैक्स चार्जेस मिसलेनियस, टेलीग्राम चार्जेस पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टल स्टैम्प पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर रिपेयर्स, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो अभी ये कॉलम्स बनाने अपने को, वाउचर नंबर के बाद टोटल का कॉलम आएगा, टोटल के बाद अभी जो कॉलम्स बनाने हैं कैरेज, नेक्स्ट है कैरेज के बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, उसके बाद मिसलेनियस लास्ट में आएगा, कैरेज हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ट्रैवलिंग हो गया, मिसलेनियस लास्ट में, पोस्टेज हो गया, रिपेयर्स करना है, और फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ये कॉलम्स बना के हो गए। उसके बाद उसका रूलिंग करना है, सबसे पहला बॉर्डर बनाते हैं, रूलिंग करते हैं, बॉर्डर बना के हो गया। नेक्स्ट है
तो ये सब कॉलम का अपना बॉर्डर हो गया। अभी हेडिंग्स को क्लोज करते हैं। तो ये अपना रूलिंग कंप्लीट हो गया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्प्रेस्ड अमाउंट 2000 है, तो 2017 जनवरी 1 को 2000 अपने को मिलेगा। तो 2017 जनवरी 1 डेट डालेंगे। और जनवरी 1 को टू कैश लिखेंगे और इसकी अमाउंट आएगी 2000 रुपया। सबको क्लियर है? उसके बाद अभी अपने को पैसा हम लोग खर्चा करना चालू करेंगे। सबसे पहला जनवरी 1 को कार्टेज का पैसा पे किया है, तो जनवरी 1 डेट डालेंगे, बाद में लिखेंगे बाय कार्टेज। टोटल के कॉलम में और कैरेज के कॉलम में आएगा। कैरेज का अमाउंट टोटल के कॉलम में और कैरेज के कॉलम में आएगा 50। देन नेक्स्ट है अपना पेड एसटीडी चार्जेस जनवरी 2 को। एसटीडी चार्जेस आएगा टोटल और टेलीफोन एक्सपेंसेस में। टोटल में जाएगा 40 और टेलीफोन एक्सपेंसेस में 40 जाएगा। सबको क्लियर है? उसके बाद एसटीडी चार्जेस के बाद नेक्स्ट है जनवरी 2 को बस फेयर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। बस फेयर जाएगा टोटल में और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 20। उसके बाद जनवरी 3 को पोस्टेज, टोटल और पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में। पोस्टेज के बाद नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉयज जनवरी 4। आएगा टोटल में और मिसलेनियस में
नेक्स्ट डे जनवरी 6 को कुरियर चार्जेस, कुरियर चार्जेस आएगा 30 टोटल और पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉय जनवरी 6 के बाद जनवरी 8 रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर्स 50। बाय रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर्स अमाउंट 50 टोटल में और मिसलेनियस में। नेक्स्ट है जनवरी 10 को कार्टेज 35 टोटल में और कैरेज में। बाय कार्टेज नेक्स्ट है टैक्सी फेयर टू मैनेजर जनवरी 15 को टोटल में और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 70। नेक्स्ट है जनवरी 18 स्टेशनरी 65 नेक्स्ट डे बस फेयर 10 जनवरी 20 को टोटल में और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट डे जनवरी 22 फैक्स चार्जेस 30
टोटल में और मिसलेनियस में 30। नेक्स्ट डे टेलीग्राम चार्जेस January 25 को। बाय टेलीग्राम चार्जेस टोटल में और पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 35। नेक्स्ट है टेलीग्राम की बात, अगला पोस्टेज स्टैम्प January 27 को। पोस्टेज स्टैम्प 200 टोटल में और पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। नेक्स्ट January 29 रिपेयर ऑन फर्नीचर। टोटल में और रिपेयर्स में 30 को। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस से 115 टोटल में और मिसलेनियस में 31 को मिसलेनियस एक्सपेंसेस 100 टोटल में और मिसलेनियस में 100। तो ये अपना क्लोज हो गया। अभी टोटल लेते हैं।
का टोटल लेंगे। टोटल ले लिया, अभी टोटल को क्लोज करना है। टोटल को क्लोज किया, अभी बैलेंस क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहला डेबिट का टोटल लेते हैं, डेबिट का टोटल 2000 के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करना है, तो 2000 माइनस 1000 65935, तो ये क्लोज हो गया। ये क्रेडिट साइड का टोटल है और ये बैलेंस आएगा जनवरी 31 का बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये 2000 क्लोज करेंगे, तो टोटल क्लोज किया, उसके बाद ओपन करना है। अभी 2017 को फ़रवरी 1 इधर आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, $935 बैलेंस है। अब ये इम्प्रेस सिस्टम का प्रॉब्लम है, इम्प्रेस सिस्टम में अपने को डिफरेंस फिर से उसी दिन रिसीव करना है फ़रवरी 1 को टू कैश। अभी अपने को कितना मिलेगा 2000 में से, उसका खर्चा उसके पास बैलेंस है 935, तो बाकी का अपने को 1065 मिलेगा। सबको क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम अभी ख़त्म हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। ये जो प्रॉब्लम है उसमें लिखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द वीक एंडिंग December 30, 2014 विथ वीकली इम्प्रेस टॉप 500। अभी इधर इम्प्रेस सिस्टम है तो 500 रुपीज़ अपने को सबसे पहला 24 जनवरी को मिलेगा और उसके बाद अपने को उसमें से खर्चा करना है और फिर अपने को एंट्रीज रिकॉर्ड करना है। ओके, अभी हम लोग सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला इन द बुक शॉप, इधर बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया है तो इधर इन द बुक शॉप हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इन द बुक शॉप क्वेश्चन मार्क आ गया। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, तो हेडिंग देते हैं जो हम लोग करने वाले हैं, एनालिटिकल पेटी कैश बुक हम लोग इधर बनाने वाले हैं। ओके, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अभी इधर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन से कॉलम्स अपने को बनाने के हैं। सबसे पहला स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम बनेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सबको क्लियर है? ओके, उसके बाद बस फेयर है, बस फेयर का जो कॉलम बनेगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। सबको क्लियर है? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। फिर कार्टेज दिया है, कार्टेज का जो कॉलम है वो कैरेज का होता है, हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। कार्टेज मतलब जो भी, अगर समझो घोड़ा गाड़ी हो, बैल गाड़ी हो, तो उसका जो कैरेज रहता है उसको कार्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट है टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर जाएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में। बाद में वेजेस टू कैजुअल लेबर, ये जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस में।
ओके उसके बाद पोस्टेज, पोस्टेज जाएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए कौन से आइटम्स कौन से कॉलम में जाएंगे। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहला आएगा अमाउंट रिसीव्ड रुपीस, इसमें अपने को रिकॉर्ड करना है कितना पैसा मिला। अमाउंट रिसीव्ड रुपीस के बाद आएगा अगला कॉलम कैशबुक फोलियो, जो कैशबुक का पेज नंबर आपको इधर रिकॉर्ड करना है कैशबुक फोलियो। ओके उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम आएगा डेट का कॉलम, आपको इधर डेट रिकॉर्ड करनी है। फिर अगला कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के कॉलम के बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा वाउचर नंबर, वाउचर नंबर। फिर अगला कॉलम आएगा टोटल। फिर उसके बाद जो जो कॉलम्स हम लोग ने डिस्कस किए थे वो हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये फर्स्ट कॉलम है अपना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट कॉलम ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस ये नेक्स्ट कॉलम है अपना। उसके बाद अगला कॉलम कैरेज का है, अभी फिर से ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस आया है तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का और एक कॉलम नहीं बनेगा और मिसलेनियस का लास्ट में बनेगा। उसके बाद हम लोग बनाते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कॉलम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कॉलम हम लोग बनाते हैं। सबको क्लियर है? ओके पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद और लास्ट कॉलम हम लोग बनाएंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। ओके तो ये अपना फॉर्मेट बना के हो गया। अभी इसको रूलिंग करते हैं, तो रूलिंग में सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, हेडिंग्स डाला है हम लोगों ने इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अभी बॉर्डर बनाते हैं, छोटा प्रॉब्लम है। तो बॉर्डर हम लोग ने बनाई, अभी हर कॉलम को आपको रूलिंग करना है। सबसे पहला अमाउंट रिसीव्ड रुपीस, कैशबुक फोलियो, डेट, इनको रूलिंग करना है, तो इनका रूलिंग करके हो गया। उसके बाद पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल ये दो कॉलम को रूलिंग करना है, पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर टोटल इनको रूलिंग करते हैं, इनको रूलिंग किया। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी, ट्रैवलिंग कन्वेंस उनको रूलिंग करते हैं। और फिर कैरेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम और मिसलेनियस एक्सपेंसेस उनको रूलिंग करना है, तो ये उनको हम लोगों ने रूलिंग किया। अभी जो भी हेडिंग्स है उनको हम लोग क्लोज करेंगे, क्लोज कर रहे हैं उन लोगों को, तो ये अपना क्लोज करके हो गया। ओके अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, अपना फॉर्मेट रेडी है। सबसे पहला 2017 जनवरी 24 ये डेट डालते हैं, 2000 सितंबर। सबसे पहला कैश मिलेगा जनवरी 24 को, कैश मिला अपने को टू कैश अकाउंट 500 कैश मिलेगा, टू कैश अकाउंट और ये 500 कैश अपने को मिला। तो सबको क्लियर है? तो इधर आप 23rd डेट डालेंगे तो भी चलेगा, 24 डेट डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो डेट मोस्ट प्रोबेबली उस मंथ में ही
होनी चाहिए। तो 24 जनवरी को कैश मिल रहा है 500, अभी हम लोग खर्चा करेंगे। उसी दिन हम लोगों ने स्टेशनरी का खर्चा किया, तो लिखेंगे बाय स्टेशनरी की अमाउंट टोटल में, और स्टेशनरी के कॉलम में आएगी, टोटल में आएगा 100, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कॉलम में भी 100 आएगा। सबको क्लियर है? तो ये अपना हो गया। उसके बाद जनवरी 25 को बस फेयर के लिए पैसा पे कर रहे हैं। बस फेयर का जो अमाउंट है टोटल में और ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में आएगा, टोटल में और ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में आया। ठीक है, उसके बाद अगला जो है कैरिज, जनवरी 25 को कार्टेज आएगा 40, टोटल में भी आएगा और कैरिज के कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट कैरिज के बाद 26 को टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर है 80 और वो आएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में। ओके, नेक्स्ट है टैक्सी फेयर के बाद वेजेस टू कैजुअल लेबर जनवरी 27, और ये आएगा 90 टोटल और मिसलेनियस में 90 आएगा। ओके, उसके बाद 29 जनवरी को पोस्टेज आएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। पोस्टेज का अमाउंट है 80, टोटल में जाएगा और पोस्टेज एंड टेलीग्राम में जाएगा 80। ओके, तो ये अपना पोस्टिंग हो गया। अभी अपने को टोटल लेना है, टोटल लेते हैं। तो इधर का टोटल 402 आ गया, बाकी सब का भी टोटल लेते हैं। लिख के हो गया, अभी सबको अपने को क्लोज करना है।
तो ये हम लोग ने क्लोज किया। अभी बैलेंस कैलकुलेट करना है जनवरी 30 को। सबसे पहला टोटल लेंगे 500, तो डेबिट का जी टोटल है 500 है। 500 में से 402 माइनस करेंगे और फिर बैलेंस अपने को मिलेगा 98 बैलेंस आ गया। अभी अपने को टोटल को क्लोज करना है, ऊपर सिंगल कॉलम नीचे डबल कॉलम। तो इधर का टोटल क्लोज किया, फिर इधर का कॉलम क्लोज करना है टोटल, और ऊपर से एक लाइन नीचे से दो लाइन, और ये क्लोज कर दिया। तो अभी इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, जनवरी 30 का रहेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये हम लोग ने क्लोज किया और फिर जनवरी 31 को ओपन करते हैं। 2017 जनवरी 31 को उधर लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 98। अब ये इम्प्रेस सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो हेड कैशियर इसका डिफरेंस अपने को दे देगा। तो इधर लिखना है टू कैश अकाउंट और डिफरेंस कितना है 500 माइनस 98। 500 माइनस 98 ये डिफरेंस है, तो ये हो रहा है 402। तो 402 अपने को उसको रिटर्न करना है। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। थैंक यू।